जय मा शारला, जय गुरुदेव। नमस्कार दर्शक बंधु, आस्ट्रो पैराडाइस यूट्यूब चैनल को मुझे आस्ट्रो फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, पूर्व जो टॉपिक मुझे अपलोड करी भगवान नृसिंह को नहीं, भगवान नृसिंह पूजा आपत केमी करेंगे, व्रत केमी रखिए। आसंता 5 तारीख में भगवान नृसिंह जयंती बा जन्मोत्सव पड़ुची, तो आसंता 5 तारीख में आपत केमी भगवान नृसिंह पूजा करेंगे, क्यों महा उपाय करने द्वारा रोग ऋण शत्रु आपत रक्षा पाई। बहुत बढ़िया टॉपिक थिला, जदि आप देखी ना ऊपर आई लिंक रे क्लिक कर देखिपारे। आज आप एक बहुत बढ़िया टॉपिक नहीं आसी। आज टॉपिक आम आलोचना करवा क्यों दिन बा क्यों तिथि कौन खाइले कौन असुविधा हे, क्यों तिथि कौन खाइबा को मना कर शास्त्र कौन कहते, शास्त्रोक्त प्रमाण सहित आज आलोचना करवा। बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छी, आपको निवेदन करी वीडियो को शेष पर्यंत देखते, मझे स्किप करते, जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, पाखे थी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को क्लिक करूँ, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको निवेदन करी बहुमात्र वीडियो को शेयर करेंगे, समस्त पाखे पहुँचे। जदि कौन टॉपिक बाबद जानापी चाहती ताल मत कमेंट बॉक्स रे लिखिबे, मु चेष्टा करी से टॉपिक को लेकिन वीडियो अपलोड करने। दर्शक बंधु, आउ डेरी करानी, आसतु आरंभ करवा आज अध्याय। दर्शक बंधु, सनातन धर्म बा आम धर्मशास्त्र रे आमर खाइबा को नहीं बहुत किछि नियम कानून रही, जमीति क्यों तिथि कौन खाइबा अनुचित, जदि बारण करा जाइथिबा पदार्थ को द्रव्य को आम खाऊचे ताले कौन असुविधा हबो। आमर पंजिकार दैनदिन निषेध खाद्यर वर्णना करा जाइछि। आज आम आलोचना करिबा क्यों तिथि कौन खाइबा अनुचित। शास्त्र अनुसार प्रतिपदा तिथि शुक्लपक्ष हो कि कृष्णपक्ष हो, जो जो तिथि मुझे कहबी उभय कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष प्रजोज्य। प्रतिपदा तिथि केबे भी कुष्मांड पाणिकखारु खाइबा अनुचित। जदि प्रतिपदा तिथि पाणिकखारु आम खाऊचे ताहले धनक्षय होता है, आम जनातर हो अजनातर हो धननाश होता है। द्वितीय तिथि भेजी बैगण खाइबा अनुचित। जदि आम द्वितीय तिथि शास्त्रंकर कथा को न मानी भेजी बैगण खाऊचे ताहले शरीर में चर्म रोग होबार बहुत संभावना रही है। तृतीय तिथि पोटल खाइबा को बारण कर धर्मशास्त्र अनुसार, जदि तृतीय तिथि आम पोटल खाऊचे ताहले शत्रुबुद्धि एवं शत्रुपीड़ा आमको भोग करने को पड़ो। चतुर्थी तिथि मूला खाइबापी शास्त्र मना करती, शास्त्र में वर्जित अच्छी। जदि चतुर्थी तिथि आम मूला खाऊचे ताहले धननाश होता है। पंचमी तिथि बेल एवं पणस खाइबा अनुचित। पंचमी तिथि जदि आम बेल कि पणस खाऊचे ताहले आमर मान सम्मान रे बाधा आसवा सहित जशहानि होता है। षष्ठी तिथि लिंब खाइबा मना, यहाद्वारा परवर्ती जन्म आमको नीच जोनि को भोग करने को पड़ो। अर्थात जदि आम षष्ठी तिथि लिंब कढ़ लिंब पत्र खाऊचे ताहले आमको नीच जोनि को प्राप्त हेब। सप्तमी तिथि ताल खाइबा अनुचित। वर्तमान प्रबल खरा समय, प्रायत रोड साइड रे व्यवसायी भाई मैंने ताल गदा करी ताल सच बिक्री करुंट, किंतु सप्तमी तिथि ताल खाइबा अनुचित, यहाद्वारा गंभीर रोग हबार बहुत संभावना रही है। तेणु सप्तमी तिथि ताल खाइबा अनुचित। अष्टमी तिथि नड़िया एवं आमिष खाइबा आदौ शुभप्रद नुहे। शास्त्र कहती जदि अष्टमी तिथि नड़िया एवं आमिष आम खाऊचे ताहले आमर बुद्धिनाश होता है, मंद बुद्धि आम शरीर को प्रवेश करता है। तेणु अष्टमी तिथि नड़िया और आमिष खाइबा वर्जनीय। नवमी तिथि लाऊ खाइबा मना अटे। जदि नवमी तिथि आम लाऊ खाऊचे ताहले ताहा गोमांस भक्षण करने सहित सामान, तेणु नवमी तिथि कदापि लाऊ खाइबा ठीक नुहे। दशमी तिथि कलम शाग खाइबा शास्त्र विरोधी अटे, यहाद्वारा शरीर में रोग सृष्टि होता है, दृष्टिशक्ति आमर कम होता है। तेणु दशमी तिथि कलम शाग खाइबा मना अटे। एकादशी तिथि शिंब एवं आमिष उभय खाइबा अनुचित, यहाद्वारा दारिद्रता भोग होता है। तेणु एकादशी तिथि शिंब एवं आमिष खाइबा आदौ उचित नुहे। द्वादशी तिथि पोई एवं मसूर डाली को वर्जन करा जाइछि, एहा द्वारा विकृत मस्तिष्क बा बुद्धि क्षीण होता है। जदि द्वादशी तिथि मसूर डाली एवं पोई खाऊचे ताहले आमर बुद्धिनाश होता है। त्रयोदशी तिथि बैगण खाइबा वर्जनीय अटे। जदि त्रयोदशी तिथि आम बैगण खाऊचे ताहले चक्षु एवं चर्म रोग
पीड़ा आम भोग करने तेणु त्रयोदशी तिथि बैगण वर्जन्य अटे। चतुर्दशी तिथि बिरी कोशिला शाग खाइबा उचित नुहे। जदि आम चतुर्दशी तिथि बिरी एवं कोशिला शाग खाऊे ताहले शत्रु पीड़ा आमको भोग करने को पड़ो। गुप्त शत्रु मैंने आमको हैरान हरकत करेंगे। शत्रु मैंने आमपाई षड्यंत्र रचना करेंगे। तेणु चतुर्दशी तिथि बिरी आउ कोशिला शाग वर्जन अटे। पूर्णिमा अमावास्या एवं संक्रांति तिथि आमिष एवं तैल उभय को वर्जन करने दरकार। जदि पूर्णिमा अमावास्या एवं संक्रांति तिथि आम तैल खाऊे आमिष खाऊे ताहले आम जीवन जाक जी पुण्य करा क्षय होता है। तेणु पूर्णिमा अमावास्या एवं संक्रांति तिथि आमिष एवं तैल वर्जन अटे। ये शास्त्रंकर कथा एवं विचार आपणकर। आपण जदि शास्त्रंकर नियम मानिबे ताले बहुत भल। तेणु चेष्टा करूँ शास्त्रंकर नियम को मानिबा। दर्शक बंधु आशा करी आज टॉपिक आपको भल लगी। प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। आपण मन में जदि टॉपिक को नहीं किसी क्वेश्चन था डाउट था मत निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखे। आपको अनुरोध करी प्लीज आप वीडियो को शेयर करेंगे समस्त पाखे पहुँचे। दर्शक बंधु पुणी आसबि आगामी अध्याय आउ एक टॉपिक नहीं से पर्यटन आपने भले खुशी था मत विदाय दिंतु। रही जय मा सरला जय गुरुदेव।